आंखों से तुम जाना नहीं दूर दूर, मेरे पास रहना तुम जरूर जरूर। आपके पांव के नीचे दिल है, आपके पांव के नीचे दिल है, तोड़ न देना हुजूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। ग्रेट रोमांटिक हीरो वहीद मुराद की 38वीं बरसी के मौके पर एक और मालूमाती और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारा आज का मौजू है चॉकलेट हीरो वहीद मुराद और मोना लिजा की मुस्कुराहट रखने वाली खालिस मशरकी हुसन की मालिका अदाकारा दीबा की मुश्तरका फिल्में। इन दोनों खूबसूरत फनकारों ने मजमुई तौर पर 18 फिल्मों में एक साथ काम किया। इस फहरिस्त में हकीकत और जमीर दो ऐसी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने हीरो हीरोइन के तौर पर काम नहीं किया। डेढ़ दर्जन फिल्मों में ये दोनों एक साथ काम करने वाले फनकार पर्दा स्क्रीन पर बहुत ज्यादा पसंद किए गए। इनकी 3 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 1 फिल्म ने प्लाटिनम जुबली बनाई, जबकि दीगर तमाम फिल्मों ने सिल्वर जुबली करके फाइनेंसर्स को खसारे से बचाया। आइए वहीद मुराद और दीबा की उन फिल्मों के बारे में जानते हैं जो मुल्क भर में शानदार कामयाबी से हमकिनार होकर गोल्डन जुबली और प्लाटिनम जुबली के सिंहासन पर विराजमान हुई। वहीद मुराद और दीबा की हदायतकार रफीक रिजवी की फिल्म फिर सुबह होगी रिलीज हुई। ये एक मौजूआती फिल्म थी जिसमें वहीद मुराद और दीबा ने शानदार किरदार निगारी का मुजाहरा किया और इस फिल्म ने मुल्क भर में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए गोल्डन जुबली मनाने का एजाज हासिल किया। आइए देखते हैं इस फिल्म के एक यादगार गाने की खूबसूरत झलक। वहीद मुराद और दीबा की दूसरी गोल्डन जुबली फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे 1971 में सिनेमाघरों की रौनक बनी। इस फिल्म के हदायतकार के खुर्शीद थे। ये एक कामयाब और बेहद खूबसूरत फिल्म थी जिसके तमाम ही गाने सुपरहिट हुए और अवाम की जानिब से इस फिल्म को बहुत ज्यादा पजीराई हासिल हुई। आइए देखते हैं इस फिल्म के खूबसूरत गाने की एक खूबसूरत झलक। हमसे बेगाने हैं उनकी नजरों में। वहीद मुराद और दीबा की एक और गोल्डन जुबली फिल्म हदायतकार नजर शबाब की शमा थी जो 1974 को रिलीज हुई और इस मल्टीकास्ट पर मबनी फिल्म ने बहुत शानदार कामयाबी हासिल की। वहीद मुराद ने इस फिल्म में डॉक्टर और दीबा ने एक देहाती लड़की का किरदार बहुत खूबसूरती के साथ निभाया। ये एक शानदार और यादगार फिल्म है जिसे आज भी पसंद किया जाता है। आइए फिल्म शमा का ये गाना देखते हैं। ये तेरा आना चुपते चुपते दिल की बातें आँखों से कह देना सबसे छुपे हो। वहीद मुराद और दीबा की प्लाटिनम जुबली फिल्म अंजुमन 1971 में रिलीज हुई जिसके हदायतकार हसन तारिक थे। ये एक नहायत खूबसूरत और शानदार फिल्म थी जिसे पाकिस्तानी सिनेमा की क्लासिक फिल्म होने का एजाज हासिल है। दीबा ने इस फिल्म में वहीद मुराद की सेकंड हीरोइन का कैरेक्टर प्ले किया और वहीद मुराद के साथ उनकी केमिस्ट्री बेसाख्ता अदाकारी के साथ बहुत ज्यादा पसंद की गई। इस फिल्म के सभी गाने बहुत कामयाब और मकबूल हुए। वहीद मुराद और दीबा पर फिल्माया गया ये गाना यकीनन आपकी याददाश्त में महफूज होगा। दादश बखैर बचपन में खेले थे घर आंगन में, होके जमा शगमाने लगे क्यों आंचल में मुखड़ा छुपाने लगे।
रिकॉर्ड बिजनेस करके गोल्डन और प्लैटिनम जुबली मनाने वाली वहीद मुराद और दीबा की ये फिल्में देखने वालों में आज भी बहुत ज्यादा मकबूल हैं। इन यादगार फिल्मों के अलावा वहीद मुराद और दीबा ने जिन दीगर 14 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, इन फिल्मों ने एवरेज बिजनेस किया, मगर इनमें से कोई फिल्म भी नाकामी से दो चार नहीं हुई। ये फिल्में हैं बहू बेगम, दोराहा, जाने आरजू, तुम ही हो महबूब मेरे, एक नगीना, इशारा, अफसाना, फिर चांद निकलेगा, नन्ना फरिश्ता, हकीकत, वादा, खरीदार, परस्तिश और जमीर। वहीद मुराद और दीबा ने 1965 से 1980 तक 18 फिल्मों में एक साथ काम किया और इन्हें हीरो हीरोइन के तौर पर बहुत ज्यादा मकबूलियत और पजीराई हासिल हुई। तमाम दोस्तों को बताता चलूं कि हमारा एक कुकिंग चैनल कुकिंग विद दादी पोती के नाम से लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यहां बहुत उम्दा रेसिपीज मौजूद हैं, आपको वक्त मिले तो ज़रूर देखिएगा। मेरे चाहने वालों को अगर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जाते जाते आपसे कहता चलूं कि अपना और अपनों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखा करें, इससे जिंदगी मजीद खूबसूरत हो जाएगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अभी इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।